नाक में धुआ, हाथ में चीलम, आंख में धुआ। चीलम पर बात करिए, चीलम पर चलेगा। नीतीश कुमार जी जब तक चीलम ना चढ़ाइए पहले वो विधानसभा में अंदर ना बैठी। जैसे औरत कहने के बाद इन्हें फुसकी, आने के बाद इन्हें फुसकी, उहे कान उहे बुद्धि नीतीश कुमार जी के। इंसान लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से एनडीए का दामन छोड़ा है और आरजेडी के साथ में जाकर के हाथ मिलाया है, तब से बीजेपी जो है वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोल रही है। और इसी क्रम में कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किए गए और अब जितने भी बीजेपी के विधायक लोग हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं। इस वक्त पद्मश्री से सम्मानित और लगातार 5 बार विधायक रही भागीरथी देवी जो हैं वो नीतीश कुमार के कई सारे बड़े बड़े पोल खोल रही हैं। जी हाँ, रामनगर से बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने मुख्यमंत्री पर जम करके हमला बोला है और उन्होंने मुख्यमंत्री को नशेड़ी और गंजेड़ी तक बताया है। ये भी कहा है कि विधानसभा में जब भी नीतीश कुमार जाते हैं तो बिना गांजा पिए नहीं जाते हैं। बीजेपी विधायक भागीरथी देवी की बात करें तो भागीरथी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा है। 5 बार लगातार विधायक रही हैं और नीतीश कुमार पे आरोप लगाते लगाते यहां तक कह दिया कि वो मेहरारू यानी कि औरत की भूमिका में रहते हैं। बात जो है जिस तरीके से औरतें बात को इधर उधर करती हैं वैसे ही करने में नीतीश कुमार जो हैं वो माहिर हैं। विश्वास नाम की अब कोई चीज नीतीश कुमार के लिए नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गांजा चढ़ा करके विधानसभा की कार्रवाई में पहुंचते हैं, बीच बीच में सदन से गायब हो जाते हैं और इस दौरान वो अपने ऑफिस में जाकर के गांजा पीते हैं, यानी कि शराबबंदी, जो बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी लगाने वाले नीतीश कुमार पर खुद आरोप लगाया है कि वो गांजा पीते हैं। भागीरथी देवी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार के हाथ में चीलम और आंख में धुआं है, चांदी का चीलम नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं और इसी से वो गांजा पीते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब इनका अब कोई वैल्यू नहीं रह गया है, हम लोग सभी जानते हैं। और इस दौरान बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो लोग भी मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोले। आपको बता दें कि भागीरथी देवी ने कहा कि हम सब नीतीश कुमार का अंदर का हाल जानते हैं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है और इसका जवाब जो है वो जनता जरूर देगी। तो जमकर के निशाना साधा और बड़ी बात भागीरथी देवी ने कह दी है नीतीश कुमार को लेकर के। दो बड़ी बातें हैं, अब इसका जवाब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन गांजा पीने वाली जो बड़ी बात है वो कही है भागीरथी देवी ने। और विधानसभा से बीच में जो गायब हो जाते हैं तो वो कहीं और नहीं जाते हैं बल्कि गांजा पीने जाते हैं। और साथ ही साथ मेहरारू का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिस तरीके से औरतें होती हैं बात इधर की उधर करती हैं, वैसे ही नीतीश कुमार करते हैं। आप खुद सुनिए कि भागीरथी देवी क्या कुछ कह रही हैं। उनकर कान है मेहरारू के, जैसे औरत कहने के बाद इन्हें फुसकी, आने के बाद इन्हें फुसकी, उहे कान उहे बुद्धि नीतीश कुमार जी के। का बतिएंगे, अरे नीतीश जी के तो आंख में धुआ, हाथ में चीलम, आंख में धुआ। चीलम पर बात करिए, चीलम पर चलेगा। नीतीश कुमार जी जब तक चीलम ना चढ़ाइए तोले वो विधानसभा में अंदर ना बैठी है। बोलूं कर एक एक हीड़ के हाल हमनी के जानता नहीं कि नीतीश कुमार कहाँ हुआ। तुरंत उठिए भीतर विधानसभा से, अपना लॉबी में जाइए ऑफिस में, वहाँ गांजा मरी है आ फिर आके बैठिए। तो गांजा पी के बात करेला नीतीश कुमार जी, उनकर चीलम हाथ में रहेगा, उनकर चांदी का चीलम नीतीश कुमार जी के, उनकर हाल हम जनता नहीं। कौना कायदा, कौना विचार, कौना कर्म के आदमी बढ़ नीतीश जी पर कोई विश्वास नहीं के, कोई वैल्यू नहीं के। आज हमने के धरना प्रदर्शन पर बैठल बनी, जनता के जनाओ तनी, जनता के धन्यवाद दे तनी कि जनता सही हो के सही अपना विचार पर कि नीतीश जी के एक बाद में कैसे नीतीश जी आवत रहन, कैसे नीतीश जी जात रहन, ए पर ध्यान देवे के बाद फिर लालू जी के संगे आके फिर वह धंधा शुरू हो जाए। कोई बेटी बहू